चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र नियमों के अधीन लाने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चंडीगढ़ के 23,000 कर्मचारियों पर 1 अप्रैल से नए नियम लागू हो जाएंगे। केंद्र ने इस मामले में पंजाब सरकार के विरोध को दरकिनार कर दिया है। पिछले रविवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की थी। चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर अभी तक पंजाब सिविल सर्विस रूल्स लागू होते थे। नए नियमों को यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एम्प्लाइज कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 2022 का नाम दिया गया है। हालांकि पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया था। सीएम भगवंत मान ने इसके खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया था। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात कही थी। वहीं कांग्रेस और अकाली दल भी इसके विरोध में था। रिटायरमेंट ग्रुप ए और बी का रिटायरमेंट 60 साल में होगा। पंजाब सर्विस रूल्स के मुताबिक 58 साल में रिटायरमेंट होता है। अब इन कर्मचारियों को 2 साल और मिलेंगे। इसी तरह क्लास 4 में रिटायरमेंट की उम्र 7 से बढ़कर 62 हो जाएगी। चाइल्ड केयर लीव, चंडीगढ़ के कर्मचारियों को अब 2 साल की चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी। पंजाब रूल्स के हिसाब से सिर्फ 1 साल की लीव मिलती थी। टीचर्स को भी फायदा, चंडीगढ़ में टीचर्स का रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी। नॉर्मल कॉलेज में रिटायरमेंट 58 की जगह 65 साल में होगा। वहीं टेक्निकल कॉलेजों में टीचर 60 की बजाय 65 साल में रिटायर होंगे। सैलरी, कर्मचारियों की सैलरी 800 से 2400 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं सब 7वां वेतनमान लागू होने से भी उनकी सैलरी 10 से 15% बढ़ जाएगी। चंडीगढ़ में अभी 6वां वेतनमान लागू है। धन्यवाद।